हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और उसमें जैसा मैंने कल आपसे वादा किया था कि कॉमन आयन इफेक्ट और ऑड आयन इफेक्ट पढ़ाएंगे। तो मैं आपका एजुकेटर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, और आज अपन चालू करते हैं अबाउट दी ऑड आयन एंड कॉमन आयन इफेक्ट इन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्लियर है? चलो तो लेट अस टेक दिस वन। तो देखो, कल के लेक्चर को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। कल 20 मिनट में 16 मिनट में अपन ने लगभग पढ़ लिया था। अब जैसे मान लो आप, मैंने AgCl को घोला हुआ है पानी के अंदर, तो क्या बनाएगा? Ag++ क्लोराइड। बोलो हम, हाँ इतना बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि अब मानो आप कि मैंने इसके अंदर क्या मिलाया, NaCl मिलाया। क्या मिलाया? NaCl मिलाया, करेक्ट है। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ? पूरा डिसॉल्व हो जाए, जो पूरा का पूरा टूट जाए, जिसका अल्फा 1 हो, मतलब 100% डिसोसिएट हो जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट है बेटा। अब क्या हुआ कि तूने AgCl घुल गया था एक हद तक इसकी सॉलिबिलिटी हो गई थी। अब बाहर से NaCl मिलाया तो क्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। क्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ते ही क्या होगा कि Ag+ क्लोराइड के साथ कंबाइन होकर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लग जाएगा, मतलब प्रेसिपिटेट बनने लग जाएगा। याद करो, एक हमने ली चैटलर्स प्रिंसिपल पढ़ा था चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में, जहां पे पढ़ा था कि इफ यू एड द प्रोडक्ट द रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड इफ यू एड द रिएक्टेंट द रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अब मैंने क्या ऐड किया है? प्रोडक्ट, तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो AgCl थोड़ा और प्रेसिपिटेट होना चालू हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं, सॉल्युबिलिटी क्या थी? कल बताई थी सॉल्युबिलिटी क्या थी। सॉल्युबिलिटी का मतलब था कितने मोल AgCl के टूटे, कितने मोल AgCl के टूटे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब चूंकि ये रिएक्शन बैकवर्ड गई, तो जो मोल टूटे थे वो प्रेसिपिटेट हो गए कुछ मोल, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। बोलो बेटा, सॉल्युबिलिटी कम हो गई ना, तो इसका मतलब कॉमन आयन की प्रेजेंस में यहां पे सॉल्युबिलिटी कम हो गई। अब तो सोच, जिस समय हमने NaCl नहीं मिलाया था उस समय मान लो सॉल्युबिलिटी थी S और S, क्लियर है? जब नहीं मिलाया तो सॉल्युबिलिटी क्या थी? ये भी S और ये भी S। अब क्या हुआ, हमने इसके अंदर कॉमन आयन मिला दिया, जिसका कंसंट्रेशन अपन ने मान लिया C कंसंट्रेशन है इसका, कितना है? C है, 1 लीटर सोल्यूशन लिया हुआ है। अब C मोल इसके अंदर ऐड कर दिया, कंसंट्रेशन ऐड कर दिया, करेक्ट है? तो अब सॉल्युबिलिटी पहले से कम हुई कि नहीं हुई? बोलो बेटा, पहले सॉल्युबिलिटी कम हुई कि नहीं हुई? yes, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गई। क्या ये सॉल्युबिलिटी अब भी एस रह जाएगी या उससे कम हो जाएगी? शाबाश, उससे कम हो जाएगी, एकदम करेक्ट बात है। पहले से सॉल्युबिलिटी क्या हुई है? कम हो गई है। बोलो हो, तो अब मैं क्या करूंगा? दिस वॉज सॉल्युबिलिटी इन एबसेंस ऑफ AgCl, NaCl, इन एबसेंस ऑफ NaCl, बट नाउ वी विल कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ NaCl, इन प्रेजेंस ऑफ NaCl। अब मान लो ये सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी? H डैश, और ये भी कितनी होगी? H डैश। अच्छा, H डैश S की तुलना में कम है कि ज्यादा है? कम है। अच्छा, क्या क्लोराइड का कंसंट्रेशन सिर्फ एच डैश है, या जो बाहर से सी मिलाया वो भी होगा? तो अब क्लोराइड का कंसंट्रेशन हो गया एच डैश प्लस सी। अब तुम बोलोगे सर थोड़ा क्लोराइड तो कंज्यूम हुआ। एक्चुअली एजम्पशन ये होता है कि ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम है, क्लियर जी बात? तो ये लगभग सी ही रहेगा, और ये कम हुआ है तो एच से एच डैश हो गया। बोलो हो, अच्छा ये यदि बहुत ज्यादा है बेटा, तो क्या एच डैश प्लस सी बराबर सी ही हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो KSP बराबर क्या होता है, जैसा कल बताया था, दो डिब्बे बनाए, एक डिब्बे के अंदर क्या लिखा? Ag+, और एक के अंदर क्या लिखा? क्लोराइड। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? एच डैश इंटू एच डैश प्लस सी, पर ये तो सी के ही बराबर है, तो ये एच डैश इंटू सी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? KSP। क्या चमका कि नहीं चमका? एक एग्जाम्पल ले लें, इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो बेहतर बात समझ में आ जाएगी अपने मन से। मान ले बेटा मेरे पास था AgCl, टूटा काय में, बोलते जाओ Ag++ क्लोराइड में
ऐसा माना कि इसका जो KSP था वो बराबर था 10^-12। क्लियर है? क्या था? 10^-12। अच्छा, KSP किस चीज से चेंज होता है? सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होता है, इसके अलावा चेंज नहीं होता। तो अब क्या हुआ बेटा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी इन एब्सेंस ऑफ NaCl? सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी? S² = KSP। तो S बराबर क्या होगा? √KSP, जो कि √10^-12 बराबर 10^-6 = S। ये कब है? जब NaCl नहीं मिलाया था। अब मान लो इसमें मिलाया NaCl 0.1 m, उसका कंसंट्रेशन हो गया। बोलो तो अब क्या होगा बेटा? फिर लिखो इक्वेशन, AgCl देता है Ag++ क्लोराइड, नया सॉल्युबिलिटी H-H+0.1, तुम्हें नहीं आया? आ गया 0.1। क्या मैं लिख सकता हूं H-H into 0.1 is equal to 10^-12। अब इस सवाल को और अच्छा बनाओ, तो और अच्छा यदि सवाल को बनाते तो इनिशियली उसने KSP दिया था ना, वो इनिशियली क्या करता? KSP नहीं देता, इनिशियली बोलता सॉल्युबिलिटी इतनी है। बोलो हो, यदि वो इनिशियली बोलता सॉल्युबिलिटी इतनी है तो तुम्हें KSP निकालना पड़ता। नहीं आया तो सवाल के दो पार्ट हो जाते, पहले KSP निकालते और फिर नई सॉल्युबिलिटी निकालते। नहीं आया, तुम्हें एग्जामिनर ने सॉल्युबिलिटी दी थी और वो कितनी दी थी? 10^-6 कितनी दी थी? तो तुमने यहाँ पे KSP क्या निकाला? S² = 10^-6² = 10^-12 = KSP। बोलो हो, क्लियर है? KSP तो सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, NaCl के मिलाने पे KSP में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या KSP की वैल्यू 10^-12 आएगी, जो कि अपन ने पहले वाले डाटा से कैलकुलेट करी है? बोलो हो। तो अब ये हो जाएगा H-H = 10^-12 / 0.1 = 10^-11। सोच, जो सॉल्युबिलिटी पहले 10^-6 थी, कॉमन आयन की प्रेजेंस हो, 10^-11 हो गई। क्या चमका? क्लियर थी बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये सवाल जो है एक मैंने आपको करा दिया, काय का कॉमन आयन इफेक्ट का। एक और सवाल ले लें इसका, एक और ले लें। हाँ ले लेते हैं। मान लो AgCl मेरे पास है और ये टूटा काय में, Ag++ क्लोराइड में टूटा। इसके अंदर सॉल्युबिलिटी पहले ले लेते हैं, इनिशियल सॉल्युबिलिटी ले लें बेटा। हाँ, इनिशियल सॉल्युबिलिटी ले लें। इनिशियल सॉल्युबिलिटी मान लो इसकी ले ली 10^-6। बोलो हो, बोलो हो, इन एब्सेंस ऑफ बोलो ना, NaCl, इन एब्सेंस ऑफ NaCl। अब क्या हुआ? 10^-2 MCACl2 मिलाया गया। क्या मिलाया गया? 10^-2 CaCl2 मिलाया गया। बोलो हो। अच्छा, पहले S थी। बोलो, इन एब्सेंस ऑफ CaCl2, शाबाश, CaCl2। इन प्रेजेंस ऑफ CaCl2 क्या आएगी? कम हो जाएगी। इन प्रेजेंस ऑफ CaCl2 क्या हो जाएगी? H-H+ 2 × 10^-2। अरे ये तो CaCl2 की मोलैरिटी है। क्या 1 मोल CaCl2 से 2 मोल क्लोराइड आता है? बोलो हो। क्या 1 मोल CaCl2 से 2 मोल क्लोराइड आता है? तो यदि कंसंट्रेशन CaCl2 का 10^-2 है तो क्लोराइड का कंसंट्रेशन कितना होगा? 2 × 10^-2। तुम्हें नहीं आया? बोलो, आया? तो अब मैंने यहां पे लिख दिया 2 × 10^-2, तो ये कितना हो गया बेटा? H-H into 2 × 10^-2 = 10^-12। KSP कैलकुलेट हो गया वहां से। अरे लास्ट सवाल में ही तो किया, S² = KSP 10^-12 कैलकुलेट हुआ। अब तो सवाल हल हुआ है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10 × 10^-11, कचरा कर लिया मैंने, 13 कर दूं इसको, 13/2 × 10^-2, इसने इसको 5 बार मार दिया, ये ऊपर आ गया, -11 हो गया। 5 × 10^-11 विल बी द न्यू सॉल्युबिलिटी। बोलो यार, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? हो गया, आ गया। चलो और ले लूँ उस पर सवाल, चलो और ले लेते हैं सवाल, आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से। मान लो बेटा किसी ने बोला AgCl इज डिजॉल्व्ड इन पानी, वाटर, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ
सॉल्युबिलिटी, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन नंबर वन वाटर, नंबर टू 0.1 mm NaCl, नंबर थ्री 0.1 mm AgNO3, बेटा ऑल नाइट्रेट आर फुली सॉल्युबल इन वाटर, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड नंबर थ्री 0.1 mm CaCl2, इसमें हमने माना है कि इनका अल्फा वन है। अच्छा, वाटर की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, जल्दी बोल बेटा। एक बात सोच, इसमें तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा नहीं बेटा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, बोलो हो। जितना ज्यादा क्लोराइड का कंसंट्रेशन तुम मिलाओगे बाहर से, उतना ही रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। अब तू सोच, यहां पे क्लोराइड कोई बाहर से नहीं आया, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगा, बोलो बेटा। तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, मान लो इसका KSP उसने बोल दिया 10^-12 है, तो क्या इसकी प्रेजेंस में S² = 10^-12, देयरफॉर S = 10^-6 आएगा, तुम्हें नहीं आया। अब इसकी प्रेजेंस में जब निकालोगे तो ये 10^-11 आएगा, अरे थोड़ी देर पहले ही तो किया है, ये कितना आएगा 10^-11, इसकी प्रेजेंस में थोड़ी देर पहले ही किया है तुमने, 5 × 10^-11 आया था बेटा, नहीं आया तुम्हें। अब तू सोच, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, AgNO3 आया। अब तू सोच, इधर मैंने लिखा AgCl, ध्यान से सुनना, ये क्या आया, Ag++ क्लोराइड, ऑल नाइट्रेट आर वाटर सॉल्युबल, जब नहीं था तो SS था, जब आया तो ये H+C H- हो गया, क्या ये KSP बराबर H+C हो गया, क्या इसका गणित, क्या इसका गणित और इसका गणित डिटो सेम है, वो भी H+C है, C की वैल्यू कितनी है 0.1 है, तुम्हें नहीं आया। क्या ये 10^-12 = 0.1 × C आएगा, तो क्या, सॉरी × H- आएगा, तो तुम कह सकते हो H-H=10^-11। तो बेटा ऑर्डर क्या हो जाएगा, जल्दी बोल। सबसे ज्यादा पानी में सॉल्युबिलिटी होगी, क्योंकि वहां पे कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगा। उसके बाद सॉल्युबिलिटी किसमें होगी, अच्छा ऐसा करता हूं मैं, इसको ABCD 1, 2, 3 ले लेता है ना, सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम 1 में, उसके बाद 2 में, बराबर 3 में, बोलो यार, और ग्रेटर देन 4 में। मुझे अकेले आया समझ में, आ गया सबको समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, खेल खत्म, पैसा जो हो गया, क्लियर है, और समझाओ, और समझाता हूँ, एक ऑड आयन इफेक्ट समझाता हूँ, ठीक है, एक ऑड आयन इफेक्ट समझाता हूँ, देखना इतना क्लियर है कि एक सवाल और करो, एक और करवा दो, चलो लो एक और सही। जैसे कि मानो AgBr ClCl लेके परेशान हो गए, नहीं 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 AgBr हटाओ, बेरियम सल्फेट ले लेते हैं, लपक के इनसॉल्युबल, अरे यार इंक खत्म हो गई, आ गई BaSO4 टूट गया काहे में, Ba++ सल्फेट में, करेक्ट है। अब किसी ने बोला बताओ सॉल्युबिलिटी, कंपेयर सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ नंबर वन पानी, नंबर टू 0.1 mm Na2SO4, नंबर थ्री 0.1 mm Ba3PO4 होल ट्वाइस, सपोज α=1, मतलब पूरा टूट रहा है, करेक्ट है, सपोज α=1 मैंने एज्यूम किया, ठीक। चौथा 0.2 mm Na2SO4, बेटा सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी प्रेजेंस होगी, जल्दी से चीते की रफ्तार से, सबसे ज्यादा वाटर में, क्योंकि बाकी सब में कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, सल्फेट कितना आएगा 0.1 mm आएगा, तुम्हें नहीं आया। इससे सल्फेट, इससे बेरियम कितना आएगा 0.3 mm आएगा, अरे यार बोला ना अल्फा वन है मतलब ये पूरा टूट जाएगा, तो यदि इसका 0.1 mm है तो बेरियम के 3 आएंगे मतलब 0.3 आएगा, इसमें कितना आएगा बोलो, इसमें 0.2 ही आएगा सल्फेट, सबसे ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट कहां लगा, वाटर में तो लगे ही नहीं, सबसे ज्यादा कहां लगा, थर्ड में, तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी थर्ड में, सबसे ज्यादा किस में, 1 में, दूसरी सॉल्युबिलिटी बोलो बेटा 2 में,
तीसरी सॉल्युबिलिटी फोर में और चौथी सॉल्युबिलिटी थर्ड में। क्या सबको ऑर्डर समझ में आ गया? आप एक एग्जांपल जल्दी सिखा दूं आपको काय का, ऑडाइन इफेक्ट का, वो भी आ जाएगा तो अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो 20 मिनट के अंदर हो गया खत्म। चल देखो बेटा मैं बताता हूं, मान लो बच्चों AgCl घुल रहा है काय में, पानी में, Ag++ क्लोराइड में। मान लो किसी ने इसको बाहर से इस पर अमोनिया छोड़ दी, उन्होंने कहा जाओ अमोनिया जाओ, बदबू मारती हुई अमोनिया इधर आ गई। क्लियर है बेटा? अमोनिया आएगी तो रिएक्ट करेगी इसके साथ, Ag+ के साथ। वो कहेगी Ag+ आओ अपन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स खेलें। कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल चीज होती है, कॉम्प्लेक्स 12th क्लास में पढ़ोगे, नहीं तो आप सोचो है मेरी जिंदगी कॉम्प्लेक्स स्टेबल कैसे हो सकती है। खैर दिस वॉज अ पुअर जोक। Ag+ आ गया बेटा, बोलो हो। ये कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबल क्या अनस्टेबल? स्टेबल मतलब रिएक्शन लपक फॉरवर्ड जाएगी। अब रिएक्शन फॉरवर्ड गई तो Ag+ कंज्यूम हुआ, यदि Ag+ कंज्यूम हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट रिमूव हुआ। प्रोडक्ट रिमूव हुआ एंड इफ यू रिमूव द प्रोडक्ट द रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ली चैटलर्स प्रिंसिपल, बोलो। अरे प्रोडक्ट ऐड करोगे तो बैकवर्ड, प्रोडक्ट रिमूव करोगे तो फॉरवर्ड, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ी के घटी? सॉल्युबिलिटी बढ़ी, बोलो हो। सॉल्युबिलिटी भले से क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक आखिरी क्वेश्चन जल्दी से करना, चीते की रफ्तार से। AgCl पानी में घोला, किसको घोला? AgCl को घोला। फाइंड द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन नंबर वन पानी, नंबर दो 0.1 mNaCl, नंबर थ्री 0.1 mCaCl2, नंबर फोर अमोनिया। बोलो 0.1 m, बोलो बेटा शर्माना नहीं है। सबसे ज्यादा किसमें होगी? H2O में। H2O में एकदम गलत आंसर। अबे ऑडाइन इफेक्ट लगेगा ना भाई, अमोनिया की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है ना। तो अब नंबर वन कौन होगा? चार, बोलो हो। इसके बाद कौन होगा? एक। उसके बाद इन दोनों में कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट कहाँ है? दूसरे में कि तीसरे में? तीसरे में। तो इसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, दो। उसके बाद तीन। लो भैया चार पांच सवाल करा दिए, टॉपिक खत्म करा दिया, आज के लिए काफी है, अगले लेक्चर बाद में रिकॉर्ड करेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। टाटा बाय, सी यू।